जाता है, इतना मुश्किल आप नहीं। आप एग्जॉन के साथ भी मुंसलिक रहे, तो उसके साथ आपने मुल्क से बाहर भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, असाइनमेंट्स किए, व्हाट एक्चुअली यू नो ब्रॉट यू बैक टू द कंट्री? क्योंकि ऐसी बात, इंसान जब बाहर रहता है तो बहुत सारी सहूलतें भी हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, बाहर आप थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो बुराइयाँ भी शायद पाकिस्तान की ज़्यादा नज़र आती हैं, सो व्हाट ब्रॉट यू बैक? मेरी उस वक्त $100,000 आफ्टर टैक्स सैलरी थी, मैं 3,500 सीसी की गाड़ी चलाता था, फोर्ड टॉरस सूप्ड अप थी मेरी। मैं वहाँ से वापस आया, मैं और अभी आपको स्टोरी सुनाता हूँ मैं कैसे वापस आया, खुद ज़बरदस्ती वापस आया। 12,690 रुपये मेरी तनख्वाह थी मैंने गॉट बैक, और 1,000 सीसी की सुजुकी खैबर में चलाता था, एंड आई वॉज इन्फिनिटली हैप्पियर इन पाकिस्तान देन आई वॉज इन कैनेडा। वापस मैं ऐसे आया कि मैंने एक दिन अपने बॉस के दफ्तर में गया कैनेडा में, डग मिल नाम था उसका, एंड आई सेड डग आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम, एंड डग ने मेरी तो देखा, ही सेड डू यू वांट मी टू टेल समबडी इन पाकिस्तान और यू? आई सेड डोंट वरी। मैंने शाम को फ़ोन किया, जफर अहमद खान उस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस होते थे यहाँ पे, बाद में चीफ एग्जीक्यूटिव बने, उनको फ़ोन किया, उनका जफर आई एम कमिंग होम, सो देयर वाज अ पॉज एट द अदर एंड, ही सेड दैट्स गुड टू हियर, आई सेड आई अज्यूम समबडी विल ऑफिशियली कम्युनिकेट, आई सेड नो प्रॉब्लम, अगले दिन मैं गया डग, प्लीज गो एंड सेंड अ पैक। आई रिमेंबर हमारा प्लांट मैनेजर होता था स्टीव ग्रिफिथ्स, सो स्टीव के पास मैं गया खुदाफिज करने के लिए, तो मैं जब मीटिंग करके बाहर निकला था, दरवाजे पे पहुंचा, तो उसने मुझे आवाज़ दी, ही सेड हे एसेट इफ यू एवर चेंज द माइंड जस्ट पिक अप द फोन एंड कॉल, आई सेड स्टीव दिस इज अ कॉल यू एंट गोना गेट, सो आई वाज वेरी वेरी क्लियर वेयर आई वांटेड टू बी, आई लव ट्रैवलिंग। एक जो बात आपके इस वाक्य से बहुत वाज़ह हो रही है कि यू डेफिनेटली आर नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु कीप्स अ लॉट ऑफ बैकअप्स। हमारे यहाँ देखें, हम पढ़ाई भी कर रहे होते हैं और अगर हमें मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स का शौक़ है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो माँ बाप और सोसाइटी हमें ये कहती है कि भाई बैकअप प्लान में कुछ ना कुछ होना चाहिए, डिग्री कर लो, कोई हुनर सीख लो, ताकि इफ दैट डज नॉट हैपन सो यू विल नेवर बी एबल टू गिव 100%। आपको क्या चीज़ प्रूव करती थी कि यू डिड नॉट हैव अ हेड हंटर इन प्लेस? आपको नहीं पता था वापस आके आपने क्या करना है क्या नहीं, बट यू डिसाइडेड वापस, आई वाज वर्किंग इन एक्सम, सो आई वाज कमिंग बैक टू माय कंट्री, सो जॉब का प्रॉब्लम नहीं था। बट जहाँ तक बैकअप की बात है, ये एंग्लो में बहुत सारे बच्चे हैं जो ये शेयर मुझसे सुन चुके हैं, सो अ लॉट ऑफ पीपल कैन टेल यू द वे माय माइंड वर्क्स, और वो शेयर बहुत सिंपल है कि जी दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं आज़ाद मनुष्य इंसानों के, ओनली टू डेस्टिनेशन फॉर अ फ्रीडम लविंग पर्सन, दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं आज़ाद मनुष्य इंसानों के, या तख्त जगह आज़ादी की या तख्ता मुगाम आज़ादी का, सो ईदर द थ्रोन और द गैलोज, नथिंग इन बिटवीन, सो दैट्स द वे माई माइंड वर्क्स। So what is the throne to you? And this would be perhaps the question before the break. The greater my space to contribute and impact the welfare of the citizens of Pakistan, the better a place it is for me. Wonderful. And